यम्मी रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल के नोटिफिकेशन पर प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कीजिए। ऐसी मज़ेदार रेसिपी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नींबू पुदीने का मसालेदार शरबत की रेसिपी। इसी के साथ में हम बनाएंगे नींबू की शिकंजी और संतरे का शरबत। तो चलें इस मज़ेदार से शरबत और शिकंजी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं नींबू पुदीने का मसालेदार शरबत। इसके लिए एक मिक्सी का जार लेकर के उसमें एक नींबू का रस निकाल लेंगे। तो नींबू का रस यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी, 4 छोटे चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 गिलास शरबत बना रही हूँ। चीनी की मिठास गिलासों के साइज पर भी डिपेंड करता है। मेरे बड़े गिलास है, इस हिसाब से मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें जाएगा 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और 2 पिंच काला नमक, पुदीने की पत्तियाँ 1 कप साफ धुली हुई, 1/2 कप पानी शामिल करेंगे। अब इसे हम बारीक पीस लेंगे। पुदीने को हमने बारीक पीस लिया है। अब तैयार पुदीने के पेस्ट में हम पानी शामिल करेंगे 1 गिलास, चम्मच से चला लेंगे और गिलास में आधा आधा छान लेंगे। मैं डायरेक्ट गिलासों में आधा आधा छान रही हूँ, आप चाहें तो प्याले में छान लीजिए। तो आधा मैंने 1 गिलास में छान लिया है, आधा मैं दूसरे गिलास में छान लेती हूँ। सेम जार में थोड़ा पानी डालकर मैं ऐसे हिला लूँगी और यही पानी मैं इस गिलास में डाल दूँगी। अब गिलास में हम पानी डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पुदीने का और नींबू का बढ़िया शरबत बनकर के तैयार हो गया है। दोनों गिलासों में आइस क्यूब डालेंगे। एक एक नींबू की स्लाइस लगा दीजिए। जैसे हम रेस्टोरेंट में बैठकर शरबत पीते हैं ना, वही लुक देगा। और पुदीने की पत्ती से इसे गार्निश कर दीजिए। ठंडा ठंडा नींबू पुदीना शरबत बनकर तैयार है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं और शरबत के लिए आप पानी के बदले सोडा वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बनाएंगे नींबू मसाला शिकंजी रेसिपी। शिकंजी का स्वाद हर किसी को पसंद होता है। इसे सोडा और बिना सोडा दोनों तरह से बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं मिनटों में शिकंजी बनाने की विधि। इसके लिए 2 गिलास ले लीजिए और उसमें 2-2 चम्मच चीनी डाल दीजिए। नींबू मसाला शिकंजी गर्मी में ताजगी और ठंडेपन का एहसास देती है। बॉडी को एनर्जी से भरपूर रखने के साथ साथ सुस्ती दूर करती है। इसे आप बहुत ही कम सामग्री में घर में मिनटों में बना सकते हैं। जल जीरे का 1 पाउच लेकर दोनों ग्लास में आधा आधा डाल देंगे। थोड़ा सा काला नमक डालें 1 या 2 पिंच के बराबर। थोड़ा थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर दोनों ग्लास में डालेंगे। 1/4 चम्मच सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर शामिल करें। अब एक ताज़ा नींबू लेकर के आधा आधा बीज से कट कर लीजिए और दोनों ग्लास में आधे आधे नींबू का रस निकाल लीजिए। नींबू का रस निकालने के बाद ग्लास में हम पानी डालेंगे। तो दोनों ग्लास में पानी डाल लीजिए और चम्मच से अच्छे से मिला लीजिए। लीजिए नींबू की शिकंजी बनकर के तैयार है। इसमें हम बर्फ़ के क्यूब्स डालेंगे। ये ठंडी ठंडी नींबू की शिकंजी आपको गर्मी में बहुत ही राहत देगी। नींबू की स्लाइस और पुदीने के पत्ते से इसे गार्निश करें। संतरे का स्क्वैश या इसे संतरे का शरबत भी कह सकते हैं, तो इसे बनाने की विधि भी देख लेते हैं। संतरे का शरबत या स्क्वैश जब भी आपको सर्व करना हो, तब शरबत में से 1/4 गिलास लेकर इसमें पानी और बर्फ मिलाकर पूरा 1 गिलास बना लें और ठंडा ठंडा सर्व करें। इसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा पुदीना मिलाने से इसका जो स्वाद है बहुत ही उम्दा और जायकेदार हो जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। 1 बर्तन में 1 लीटर पानी और 2 किलो चीनी मिलाकर गर्म करें। चीनी घुलने तक हिलाते हुए गर्म होने दें। चीनी में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, इसे निकालने के लिए 2 चाय के चम्मच दूध इसमें मिला दें और ऊपर निकल आई इम्प्योरिटीज़ को चम्मच की सहायता से बाहर निकाल दें। अब इसमें साइट्रिक एसिड मिलाकर 1 उबाल आने दें और बाद में गैस बंद कर दें, ठंडा होने पर छान लें। संतरों का रस निकालकर चाशनी में मिला दें, कलर और एसेंस भी मिला दें। संतरे का स्क्वैश या संतरे का शरबत बनकर के तैयार है। शरबत पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शरबत शिकंजी को आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।